देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना बरमूडा नामक एक गांव की है। इस गांव का नाम सुनते ही आज भी मेरी कपकपी छोड़ जाती है। तो आखिर क्या हुआ था इस गांव के अंदर, जिसकी वजह से यह गांव एक श्रापित गांव बन चुका है। तो चलिए जानते हैं। अर्जुन अपने गाँव का सबसे होनहार और शिक्षित लड़का था। कानों ही कानों में रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास गांव वालों को खबर मिली कि गांव के अंदर मौजूद एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया जल चुकी है। उसके जलने का कारण कोई भी नहीं जान पाया, लेकिन उस बुढ़िया की मौत हो चुकी थी। मगर वहीं पास रहने वाले लोगों का कहना था कि वह बुढ़िया इस कदर तड़प तड़प कर मर गई कि उसके मुँह से निकले कुछ शब्द इस गाँव को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने ये भी बताया कि उस बुढ़िया ने ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उन सभी के अंदर खौफ भर चुका है। अर्जुन का मानना था कि झोपड़ी के अंदर लगे एक बल्ब की वजह से पूरी झोपड़ी के अंदर आग लग गई, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उस बुढ़िया ने अपने आप को ख़त्म किया है, या फिर ऐसा कहें कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उस बुढ़िया का सुसाइड करने का कोई रीजन भी नहीं था। लगभग 2 दिन बीत गए और 2 दिन बीतने के बाद गांव के अंदर फिर से सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पूरे गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि आज गांव के अंदर कौन सा तूफान जन्म लेने वाला है। रात के करीबन 7 बज चुके थे। पूरा गाँव खामोशी की एक चादर ओढ़े एकदम वीरान पड़ा था। उसी वक्त अर्जुन अपनी साइकिल लेकर गांव के अंदर दाखिल हुआ तो उसने पाया कि एक औरत काली कंबल ओढ़े भीख मांग रही थी। इतनी रात को किसी औरत को भीख मांगता देख अर्जुन के जहन में काफी सवाल चलने लगे, लेकिन उनका जवाब नहीं था। फिर अर्जुन उस बुढ़िया से ही पूछने लगा, अरे अम्मा जी, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वैसे भी हमारे गाँव वाले काफी ज्यादा डरपोक इंसान है, वह चाहकर भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उस समय बाइक की उतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, जिस वजह से अर्जुन अपनी साइकिल से ही सफर तय करता था। अर्जुन गांव से शहर तक पढ़ाई के लिए सफर तय किया करता था। अर्जुन के पापा पेशे से एक प्रिंसिपल थे, जिस वजह से उनका पूरा परिवार शिक्षित परिवार था। अर्जुन की नजर उस बूढ़ी अम्मा के हाथों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ एकदम काले थे और उन हाथों की चमड़ी भी बाहर की तरफ निकली हुई थी, जो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन बाद में अर्जुन ने यह सोचकर इस बात को टाल दिया कि अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। वो तत्काल ही वहां से निकल गया। गांव के कुएं के करीब से उसके घर की दूरी लगभग 1/2 किलोमीटर की थी। वो साइकिल से नीचे उतर गया क्योंकि अब उसके पैर काफी ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। इस कारण वो पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से किसी के कदम पटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लिहाजा वो एकदम से पीछे पलटा तो वहां पर किसी का नामो निशान तक नहीं था। अर्जुन उसके बाद चुपचाप अपने घर लौट गया। उसके बाद दिमाग में काफी देर तक उसी बुढ़िया के ख्याल चलते रहे कि आखिर वह कौन थी और इतनी रात पर यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि अर्जुन ने आज से पहले उस बुढ़िया को कभी देखा तक नहीं था, जिस कारण उसके दिमाग में इस तरीके के विचार चलना भी एक लाजमी सी बात थी। फिर अर्जुन अपने घर में पहुंचा और खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो गांव में एक कोहराम सा मचा हुआ था। दरअसल गांव के अंदर एक लंबी सी भीड़ लगी हुई थी। गांव के कुछ लोग एक घेरा बनाकर उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। उसके अंदर अर्जुन के पापा भी मौजूद थे। और जब अर्जुन उस घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मासूम सा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था और उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। उस बच्चे के शरीर को किसी ने नोच नोच कर खत्म कर दिया था। उस छोटे से मासूम बच्चे को बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत का सामना करना पड़ा था। यह बात गांव के अंदर इस कदर फैल गई कि गांव के हर घर में इस बात का खौफ उत्पन्न हो गया। सभी लोगों में डर का एक अलग ही रूप देखने को मिला। जहां पर कुछ लोगों का मानना था कि अब इस गांव के अंदर एक डायन रहने लगी है और उस डायन का खौफ लगातार इस गांव को दहशत में डाल रहा था। हमेशा की तरह आज भी अर्जुन अपनी साइकिल को लेकर अपने गांव से अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में काफी सवाल थे। वो यही सोच रहा था कि वो मासूम बच्चा कौन था और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। उसके मन में विचार तो काफी थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। और फिर वो कॉलेज में लौट गया,
लेकिन कॉलेज में लौटने के बाद अब वक्त हो चला था वापस अपने गांव बरमूडा की तरफ रवाना होने का। और इस बार जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसे एक बार फिर रात के तकरीबन 7 बज चुके थे और सर्दियों के इस मौसम में वह अपनी साइकिल को चला ही रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक पल के लिए हैरानी में पड़ गया क्योंकि जब उसने अपनी साइकिल को सड़क के किनारे रोका तो उस आवाज का आना एकदम से बंद हो गया। वह आवाज अब सुनाई नहीं दी। अर्जुन चुपचाप बिना झिझके अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह गांव के उसी स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान पर कल रात वह बूढ़ी अम्मा भीख मांग रही थी, लेकिन आज तो वहां पर कोई भी नहीं था। अर्जुन ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई लेकिन इसके बावजूद उसे कोई भी नहीं दिखा। पता नहीं क्यों लेकिन उस बुढ़िया की याद उसके दिमाग में अभी भी तरोताजा थी। तभी अर्जुन एक चैन की सांस लेता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन इस बार एक आवाज सुनने के बाद अर्जुन का शरीर कुछ पलों के लिए कांप उठा। दरअसल ये आवाज किसी औरत के रोने और चिल्लाने जैसे लग रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रोने और चिल्लाने की इन आवाजों ने हंसने का रूप धारण कर लिया। गांव के बीचों बीच एकमात्र लाइट लगी हुई थी। उस लाइट की रोशनी सिर्फ कुछ चंद दूरी पर ही फैली हुई थी। उस सन्नाटे भरी रात में अर्जुन की नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था जो अपनी तिरछी निगाहों से लगातार बार बार किसी को घूरता जा रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान ना देख सके। हालांकि अर्जुन को अब तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस उल्लू की चमकती हुई आंखें अर्जुन के अंदर एक दहशत का रूप दिखा रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और गरजते हुए बादल, मानो वो आज अपना कहर बरपाने वाली है। उसके बाद अर्जुन तुरंत ही वहां से अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। अभी रात के तकरीबन 7 बजे ही थे, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग अपने अपने घरों में कंबल ओढ़कर आराम कर रहे थे। अर्जुन अपने कॉलेज से लगभग 6 बजे के आसपास छूटता था, जिस वजह से उसे अपने घर लौटने में काफी देरी हो जाती थी। अर्जुन वीरान पड़े उस रास्ते की खामोशी को चीरता हुआ अपने घर पर पहुंच गया। आज पहली बार था जब अर्जुन को अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति होने का आभास हुआ। उसे पहली बार डर का सामना भी करना पड़ा। उसने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई, लेकिन उसकी मम्मी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देने को कहा। अर्जुन ने भी वही किया। उसने उन बातों को अपने दिमाग से डिलीट कर दिया और अपने कमरे में जाकर वो आराम करने लगा। अर्जुन अब तक पेट भर खाना खा चुका था, लेकिन एक बात जो 2 महीने से लगातार उसके दिमाग को परेशान कर रही थी कि आखिर रात के लगभग 6 बजे के बाद सभी लोग अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, इसके पीछे का कारण आज तक अर्जुन कभी जान ही नहीं पाया। तभी अर्जुन ने अपनी मम्मी को इन बातों का जवाब देने को कहा, मगर हमेशा की तरह उसकी मम्मी ने अर्जुन को इन सब बातों को ना जानने का ही सुझाव दिया। लेकिन आज अर्जुन को जानना ही था कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो पूरा गांव बस सूरज ढलने के बाद एकदम वीरान पड़ जाता है। अर्जुन की जिद की वजह से उसकी मम्मी ने बताया कि गांव के अंदर एक ऐसी आत्मा भटकती है जो लोगों को अपना शिकार बनाने की भरपूर कोशिश करती है। दोस्तों, ये बातें सुनकर अर्जुन जोर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि एक युवा होने के नाते अर्जुन को इन बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ घंटों पहले ही उसने भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव महसूस किया था, लेकिन बाद में उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अर्जुन को काफ़ी अफसोस हो रहा था कि सिर्फ एक अफवाह की वजह से पूरा का पूरा गांव इस कदर शांत कैसे बन सकता है। अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से लोग उस आत्मा के प्रति अपने डर को निकाल सके, क्योंकि अर्जुन के मुताबिक गांव के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जिसे लोग अंधविश्वास समझते थे। लेकिन बहुत ही जल्द अर्जुन इन सभी बातों पर विश्वास करने वाला था। उस रोज रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। अर्जुन के घर के मेन दरवाजे के बगल में जो कमरा था उसके अंदर लेटा हुआ था। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता था, क्योंकि लगातार कमरे पर दस्तक हो रही थी। बार बार कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अर्जुन अपने बिस्तर से उठा और उस हड्डियां जमा देने वाली ठंड के माहौल में अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचा, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी नहीं था। लेकिन उसे उस बल्ब की रोशनी में एक परछाई दिखी जो एक जगह पर डगमगा रही थी। देखने में वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। अर्जुन थोड़ा हैरान था और डरा सहमा भी। वो थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला और उस परछाई को घूरने लगा।
फिर वो परछाई अपनी जगह से हिलने डुलने लगी। अर्जुन इस वक्त पास में बनी एक दीवार के पास खड़ा होकर इधर उधर उस परछाई की तलाश करने लगा कि अचानक उस दीवार के अंदर से दो बड़े बड़े और काले काले भयानक हाथ बाहर निकल आए, जिन्होंने अर्जुन का गला पकड़ लिया। अर्जुन की सांसें एकदम से उखड़ने लगी और फिर अर्जुन चीखने और चिल्लाने लगा। उस समय ठंड इतनी जोर की थी कि अर्जुन की आवाज उस चारों ओर के माहौल में जोर जोर से गूंजने लगी और सही मौके पर अर्जुन के घर वाले अर्जुन के पास पहुंच गए और सही सलामत उसे पकड़ते हुए घर के अंदर तक लेकर पहुंच गए। और फिर अर्जुन ने पूरी बात अपने घर वालों को बताई तो उन्हें भी अर्जुन की बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात अर्जुन दहशत की रात में जिंदा रहा, लेकिन जब तक सुबह हुई तो गांव में दो और बच्चों की लाशें मिली जो गांव में किसी खूनी ताकत के होने का सबूत दे रही थी। कुछ लोगों का तो मानना था कि अब गांव के अंदर एक चुड़ैल वास करती है जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। लगातार हो रहे इन हादसों का जिक्र जब एक पंडित से किया गया तो उस पंडित ने बताया कि उस गांव में उस बुढ़िया के शराब ने अपना खुकार रूप ले लिया है, जिस बुढ़िया की मौत आग में जलने की वजह से हुई थी। उस बुढ़िया के शराब के कारण यह गांव अब पूरे तरीके से शराबित बन चुका है। बाद में धीरे धीरे लोगों ने उस गांव को अलविदा कहना ही बेहतर समझा और आज वो गांव 28 सालों से खंडर पड़ा है। आज भी यह घटना उस गांव के करीब पड़ने वाले अन्य गांव में काफी मशहूर मानी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।